Thank you.
ठीक ठीक बहुत ठीक, परीक्षा करके ही मेरी बात पर विश्वास करना। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आप पर अविश्वास किया था। इस प्रकार नरेंद्र ने रामकृष्ण की रामकृष्ण की करनी और कथनी में कोई भेद नहीं है। अब नरेंद्र रामकृष्ण देव को गुरु रूप में स्वीकार कर उनके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए। नरेंद्र को ईश्वर के साकार रूप में विश्वास नहीं था। माँ काली की प्रतिमा पूजा को वे अंधविश्वास मानते थे, पर श्री रामकृष्ण उस और जरा भी ध्यान न देकर अपने प्रिय शिष्य को धर्म के पथ पर अग्रसर करने लगे। उसी बीच में नरेंद्र के जीवन में बड़ी दुर्घटना हो गई। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया। माँ भाई बहनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। परिवार का दुख कष्ट दूर करने के लिए वे श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि मेरे माँ बहनों का कष्ट दूर करने के लिए आपको माँ काली से प्रार्थना करनी होगी। दक्षिणेश्वर पहुंचे। प्रणाम महाराज। महाराज मेरे माँ भाइयों का कष्ट दूर करने के लिए आपको माँ काली से प्रार्थना करनी होगी। अरे मैं माँ से वैसी बातें नहीं कह सकता, तू स्वयं जाकर क्यों नहीं कहता? तू माँ को नहीं मानता, इसीलिए तो तुझे इतना कष्ट है। महाराज मैं तो माँ को नहीं मानता, आप मेरे लिए कह दीजिए, आपको कहना ही होगा, मैं आज आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने तो कितनी बार ही कहा है माँ नरेंद्र का दुख दूर कर दो, पर तू माँ को नहीं मानता, इसीलिए माँ नहीं सुनती। अच्छा आज मंगलवार है, आज रात काली मंदिर में जाकर माँ से जो कुछ भी तू मांगेगा मेरी माँ वो तुझे प्रदान करेंगी। मेरी माँ चिन्मयी और ब्रह्म शक्ति है, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ठीक है महाराज मैं मंदिर में जाता हूँ। माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे वैसा बना दो जिससे मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूं। क्या रे माँ से गृहस्थी का भाव दूर करने की तो बात की है ना? नहीं महाराज मैं तो भूल ही गया, अब क्या होगा? जा जा फिर प्रार्थना करा। माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे वैसा बना दो जिससे मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूं। क्या रे अब की बार तो कहा है ना? नहीं महाराज मैं तो फिर से भूल गया। अरे अपने को संभाल कर वैसी प्रार्थना क्यों नहीं करता, हो सके तो एक बार फिर जा। ये कैसे कुछ बात, मैं जगदम्बा से कहने आया, यही तो ये तो वही हुआ राजा को सुनकर कुम्हड़ा लौकी मांगा, कैसे मूर्खता की बात है। माँ मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, यह सब ठाकुर की ही लीला है, नहीं तो एक दिन बाद माँ के पास जाकर मैं उनसे कुछ नहीं कह सका। महाराज आपने ही मुझे बुलवा दिया, अब आपको ही कहना होगा। अरे मैं वैसी बातें माँ से नहीं कह सकता, मेरे मुख से तो वैसी बात निकलती नहीं, मैंने तो कह दिया था माँ से जो कुछ भी मांगेगा वही पाएगा, तू मांग ही नहीं सका इसमें मेरा क्या दोष, तेरे भाग्य में संसार सुख लिखा ही नहीं, इसमें मैं क्या करूँ। नहीं महाराज आपको कहना ही होगा, मुझे दृढ़ विश्वास है आपके कहने से मेरे परिजनों को अन्न वस्त्र का कष्ट नहीं होगा। अच्छा अच्छा उन्हें मोटे अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। ठीक है महाराज, महाराज आप मुझे माँ काली का भजन सिखा दीजिए। अच्छा अच्छा मैं गाता हूँ, तू भी साथ में गा। मेरी माँ तू ही तारा
जानू माँ तू दयामयी दुस्सह दुख हरा। मैं जानू माँ तू दयामयी दुस्सह दुख हरा। जल में तू स्थल में तू सबके मूल में तू ही माँ। जल में तू स्थल में तू सबके मूल में तू ही माँ। घट घट में तू ही विराजे साकाराकार निराकारा। घट घट में तू ही विराज साकाराकार निराकारा। तू ही संध्या तू ही गायत्री तू ही जगदात्री है माँ। तू ही संध्या तू ही गायत्री तू ही जगदात्री है माँ। भाव सागर की प्राकृति सदाशिव की मनोहरा। भाव सागर की प्राकृति सदाशिव की मनोहरा। मेरी माँ तू ही तारा मैं जानू माँ तू दयामयी दुस्सह दुख हरा। मेरी माँ तू ही तारा मैं जानू माँ तू दयामयी दुस्सह दुख हरा। मेरी माँ तू ही तारा मेरी माँ तू ही तारा मेरी माँ तू ही तारा। इस तरह और श्री रामकृष्ण के निर्देशन में नरेंद्र की कठोर साधना चलने लगी। इसी बीच श्री रामकृष्ण देव गले की कैंसर की बीमारी से पीड़ित हुए। उन्हें दक्षिणेश्वर से कलकत्ता के काशीपुर की उद्यानवाटी में लाया गया। यहां नरेंद्र गुरु भाइयों के साथ गुरुदेव की सेवा तथा धर्म साधना में लगे रहे। नरेंद्र में आत्म साक्षात्कार की इच्छा बलवती हो उठी। इसी इच्छा को लेकर एक दिन वे गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए। प्रणाम महाराज। महाराज आपने सब पर कृपा की, किसी को ईश्वर के दर्शन हुए तो किसी को भाव समाधि हुई, परंतु मुझे अब तक कुछ नहीं हुआ। तू क्या चाहता है बोल। मैं चाहता हूँ कि सुखदेव के बाति अहर्निशि समाधि में डूबा रहूं, बीच बीच में देह रक्षा के लिए नीचे उतरू और फिर समाधि में डूब जाऊं। छी छी, तू इतना बड़ा आधार और तेरे मुंह से इतनी तुच्छ बात। मैंने तो सोचा था तू उस विशाल वट वृक्ष के सम्मान होगा जिसकी छाया हजारों लोगों को आश्रय देगी, पर तू तो अपनी ही मुक्ति की बात कर रहा है। तो मैं भला और क्या कर सकता हूँ आराम। तू तो तू तेरी हड्डियां तक को भी काम करना होगा। कार्य कर लेगा तो मैं वह ताला खोल दूंगा।
privilege to have our special guests, Mr. Balwant Singh Ji, SDM, and Mr. Rajveer Yadav Ji, Tehsildar Khetri. Atithi Mahoday, Sri Balwant Singh Ji, SDM Khetri, Sriman Rajveer Ji Yadav, Tehsildar Khetri, पधार चुके हैं. मैं संस्थान के निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि एसडीएम साहब को बुके भेंट कर सभी एक बार दो तालियों से स्वागत करें. मैं हमारे वाइस प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा कि वो तहसीलदार जी का स्वागत करें. जोरदार तालियों से तहसीलदार जी का स्वागत. पुनः वही वीरेश्वर विवेकानंद ले चलते हैं. नरेंद्र तथा अन्य गुरु भाइयों ने विधिवत संन्यास ग्रहण कर लिया. गुरुदेव की वाणी उनके हृदय में गूंज रही थी. उनसे संसार की ज्वाला से दग्ध लोगों को शांति पहुंचानी होगी. वे भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े और देखते हैं गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात भारतवासियों को आत्मविश्वास, अंधविश्वास और छुआछूत की भावना संक्रामक बीमारी की तरह सारे का निदान क्या है, उनके मन में कौन उठा. शिक्षा, जनसाधारण की शिक्षा ही इस गिरे हुए देश को उठाने का एकमात्र उपाय है. अतः वे राजा और महाराजाओं के पास जाते हैं और उन्हें देश की जनता को शिक्षित करने का अनुरोध करते हैं. इसी तरह घूमते घूमते वे राजस्थान के अलवर विरासत में पहुंचे. उनकी विद्वता से प्रभावित वहां के दीवान रामचंद्र ने उन्हें अतिथि के रूप में अपने यहां आमंत्रित किया और यहां नगर के गणमान्य लोग आकर स्वामी जी का सत्संग लाभ करने लगे. एक दिन दीवान जी स्वामी जी से भेंट करने अपने भवन में निमंत्रित किया. फिर स्वामी जी अलवर से चलकर राजस्थान के अरे भाई मुझे भी थोड़ा तिलक पिलाओ. क्षमा करो महाराज, मैं बंदी हूं. मैंने सारा जीवन इसी चिंतन में बिताया कि सभी के अंदर वही ईश्वर विराजमान है और आज मैं खुद जाति भेद के चक्कर में था. छी छी, संजाते हो कभी मेरे संस्कार नहीं गए. ए भाई मुझे भी थोड़ा तिलक तंबाकू पिलाओ. नहीं महाराज, मैं भंगी हूँ, बेहतर हूँ. मेरा हाथ का तंबाकू पीने से आपको पाप लगेगा. भाई तुम चिंता ना करो, इसमें कोई पाप नहीं है. का भ्रमण करते हुए स्वामी जी खेतड़ी विरासत पहुंचे. वहां के राजा अजीत सिंह स्वामी जी की विद्वत्ता एवं साधुता से बहुत प्रभावित हुए. अब तक स्वामी जी अपना आनंद होगा. खेतड़ी नरेश,
सन्यासियों के लिए ऐसे मैसेज में भाग लेना उचित नहीं है। प्रभु जी मोरे अवगुण